हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी टीवी सीरियल में काम करना चाहते हैं, टीवी सीरियल में जाना चाहते हैं, अपने आप को अगर सीरियल में देखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी यूट्यूब पर यह सर्च नहीं करोगे कि आखिर टीवी सीरियल में काम कैसे मिलता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरियल में काम करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो है एक्टिंग। आपको एक्टिंग आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग टीवी सीरियल में काम करते हैं ना, उन्हें एक्टिंग आती है। उन लोगों ने एक्टिंग सीखी हुई होती है, वो लोग एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे, सर मुझे तो एक्टिंग आती है, मैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, सर मैं रील ना बहुत अच्छी बनाता हूँ। भाई, वो एक्टिंग नहीं होती है, वो खेल होता है। एक्टिंग का मतलब होता है आपको सीन दिया हो, आपका कोई करेक्टर हो और आपको डायलॉग मिली हो, और आप उस डायलॉग को, उस सीन को उस करेक्टर में रहकर बोल पाओ, तो आपको एक्टिंग आती है। तो दोस्तों, एक्टिंग सीखने के लिए आप कोई भी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। लेकिन आपके अंदर अगर एक्टिंग का पैशन है ना, तो फिर आप अपने दोस्तों से भी, यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो। चलिए अब मान के चलिए कि आपको एक्टिंग आती है, आपने कहीं ना कहीं से एक्टिंग सीख ली। अब आप लोगों को टीवी सीरियल फिल्म के देना होता है ऑडिशन। दोस्तों, जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लोग एग्जाम देते हैं ना, वैसे ही टीवी सीरियल फिल्म के देने होते हैं हमें ऑडिशन। ऑडिशन में अगर आप पास होते हैं, उसके बाद हमें टीवी सीरियल या फिल्म में काम मिलता है। चलिए बात करते हैं कि आखिर आप लोगों को ऑडिशन कहाँ देना चाहिए। टीवी सीरियल और फिल्म ये प्रोडक्शन हाउस वाले बनाते हैं। दोस्तों, जब कोई प्रोड्यूसर फिल्म या टीवी सीरियल बनाता है और उन्हें एक्टरों की जरूरत होती है, तब वो उनके ऑडिशन अपने ही प्रोडक्शन हाउस में लेते हैं या फिर किसी कास्टिंग एजेंसी से ऑडिशन करवा लेते हैं। दोस्तों, कास्टिंग एजेंसी का काम होता है एक्टरों का ऑडिशन लेकर प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाना। आप कास्टिंग एजेंसी और प्रोडक्शन हाउस में जाकर अपना ऑडिशन दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ ऑडिशन देने का। जितने भी सीरियल फिल्म बनते हैं, इन्हें किस प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है, आप गूगल से निकाल लें और उस प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस भी निकाल लें। अब आप जा सकते हैं उस एड्रेस पर ऑडिशन देने। ऐसे ही आपके शहर में कौन से बेस्ट कास्टिंग एजेंसी है, उनके नाम और एड्रेस निकालकर आप जा सकते हैं ऑडिशन देने। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ऑडिशन में क्या क्या होता है। तो जब भी आप ऑडिशन में जाते हैं, तब आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उसमें डायलॉग लिखे होते हैं। उसको याद करने के बाद, उस करैक्टर को समझने के बाद, मान के चलिए कि कोई डॉक्टर का रोल है, उसको उस स्क्रिप्ट को याद करने के बाद आपको कैमरे के सामने बोलना होता है। दोस्तों, वैसे तो ऑडिशन देने के बाद भी काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है टीवी सीरियल फिल्म में काम मिलने का। अगर आपको ये जानना है, तब आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको डिटेलिंग में बता रखा है कि आखिर ऑडिशन देने के बाद क्या क्या होता है। तो आई होप दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर फिल्म टीवी सीरियल में काम किस तरह से मिलता है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।